In this video, I will be sharing my weekly body care routine. So first up, I'll be taking care of my body by taking a nice shower. सबसे पहले मैं Dove का body bar use करूँगी अपनी पूरी body को cleanse करने के लिए. जैसे हम फेस को डबल क्लेंस करते हैं वैसे ही हमें अपनी बॉडी को भी डबल क्लेंस करना चाहिए, स्पेशली इन समर्स, बिकॉज हमारे पोर्स में बहुत ज़्यादा डर्ट स्वेट एक्यूमुलेट हो जाता है जिससे हमारे जो बॉडी है उसमें एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है और उसी से हमें फिर बैड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम हो जाती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीक में एक बार तो डबल क्लेंस करो हुई अपनी पूरी बॉडी को. नेक्स्ट मैं करती हूँ पूरी बॉडी को एक्सफोलिएट और ये वीक में मैं सिर्फ एक ही बार करती हूँ सो दैट जो मेरी इस बॉडी पे जितने भी डेड स्किन सेल्स वगैरह है वो रिमूव हो जाए. इस बॉडी स्क्रब को मैंने घर पे ही प्रिपेयर किया है बाय एडिंग शुगर, कॉफी, बॉडी ऑयल एंड सम शावर जेल. एंड आप भी बहुत ही इजीली इसको ऐसे घर पे प्रिपेयर कर सकते हो और आपको अलग से कोई भी मार्केट से बॉडी स्क्रब लेने की नीड नहीं रहेगी. इसमें मैंने कॉफी भी ऐड किया है जिससे हमारी जो बॉडी है उसमें जो टैनिंग वगैरह होती है वो रिमूव हो जाएगी और शुगर हमारी बॉडी को बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है. तो इस बॉडी स्क्रब को यूज़ करने से आपकी मैक्सिमम स्किन प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी और ये सभी स्किन टाइप वाले बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं रिमूव करूंगी सारे बॉडी हेयर्स बाय यूजिंग दिस रेजर. एंड हमने अभी पहले अच्छे से बॉडी को स्क्रब कर लिया है तो हमें अलग से कोई भी क्रीम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ इस रेजर की हेल्प से ही बहुत अच्छे से सारे बॉडी के जो हेयर है वो रिमूव हो जाएंगे. उसके बाद मैं लूंगी मेरा फेवरेट शावर जेल फ्रॉम द लव ब्यूटी एंड प्लैनेट. इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लाइक प्योर कॉफी एंड वनीला का इसमें फ्रेग्रेंस है. एंड अगर आपको वार्म वनीला एंड कॉफी की स्मेल पसंद है देन प्लीज ट्राई दिस वेरिएंट एंड आई एम श्योर यू विल लव इट. इसको मैं अपनी पूरी बॉडी पे लादर करती हूँ और पूरी बॉडी को अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ. एंड बिकॉज हम ये सेकेंड टाइम क्लेंस कर रहे हैं अपनी बॉडी को तो हमारे पोर्स है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लीन हो जाते हैं एंड इस बॉडी वॉश की जो स्मेल है ना वो भी हमारी बॉडी पर रहती है. आफ्टर शावर मैं यूज करती हूँ बेबी ऑयल बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है एंड समर्स में अगर आपको बॉडी क्रीम या थिक लोशंस लगाना पसंद नहीं है या फिर आपको वो बहुत हैवी फील होते हैं तो आप ज़रूर से ये बेबी ऑयल यूज़ करना. नाउ ऑन टू माई फेवरेट पार्ट विच इज़ डूइंग स्किन केयर. मैं सबसे पहले करूंगी फेस वॉश. दिस इज़ बेस्ट फॉर एक्ने प्रोन स्किन. मेरी स्किन टाइप नॉर्मल है बट बहुत बार मुझे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं तो मैं यही फेस वॉश यूज़ करना प्रेफर करती हूँ सो दैट मैं जितना हो सके उतने पिंपल्स एंड एक्ने को अवॉइड कर सकूँ. एंड आई रिकमेंड कि आप भी अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स यूज़ करो. आफ्टर दिस मैं करूंगी फेस को एक्सफोलिएट बाय यूजिंग दिस बायो एसेंस एक्सफोलिएटिंग जेल. ये बहुत ही ब्यूटीफुली स्किन के अंदर से या बाहर से जितने भी डर्ट पॉल्यूटेंट वगैरह होते हैं उन सभी को रिमूव कर देता है और ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल है एंड सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. तो सभी स्किन टाइप वाले इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी हार्श नहीं होगा आपके स्किन के लिए. अच्छे से अपने फेस को क्लीन करने के बाद मैं अप्लाई करूंगी फेस पैक. नाउ यू नो माई लव फॉर द DIY फेस पैक्स बिकॉज वो इतनी ज़्यादा ईजी एंड इफेक्टिव होते हैं बट आज मैं क्ले फेस पैक यूज़ कर रही हूँ ताकि जो मेरे पोर्स हैं वो अच्छे से अंदर से क्लीन हो जाएं. और आपको पता ही है कि समर्स में हम सभी की स्किन ऑयली हो जाती है तो क्ले मास्क बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं ऑयल को कंट्रोल करने के लिए. और अगर आपकी भी स्किन टाइप ऑयली है तो आप ज़रूर से क्ले मास्क यूज़ करना वीक में एक बार, इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. मैंने इसको बहुत ही कम क्वांटिटी लेकर ही अपने फेस पे लगाया है और इसको मैं सिर्फ 5 मिनट तक ही रखूंगी एंड देन नॉर्मल पानी से वॉश कर लूंगी. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी फेस टोनर. ये ब्लैक राइस टोनर है एंड आई नो आपने राइस वाले प्रोडक्ट्स का सुना ही होगा कि कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं वो. आपने नोटिस किया होगा कि मेरे चीक पे एक बड़ा सा डार्क स्पॉट हो गया था बट इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से वो बहुत ही ईजिली इतनी जल्दी मेरी स्किन से चला गया. उसी के साथ में इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है जो हमारे स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी सिंटेला एम्प्यूल सीरम. ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और इस प्रोडक्ट को मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मेरी जो स्किन है वो इरिटेटेड होती है या फिर मुझे ऐसे लगता है कि ब्रेकआउट्स होने वाले हैं बिकॉज ये सीरियसली पिंपल्स को क्योर करने में और उनको प्रिवेंट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है बिकॉज ये एक कामिंग सीरम है. तो अगर आप कोई ऐसा सीरम ढूंढ रहे हो जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेस्ट हो देन आई थिंक कि इससे ज्यादा अच्छा तो कोई भी नहीं होगा तो आप जरूर से ये ट्राई करके देखना. नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी सबका फेवरेट प्रोडक्ट दी कॉसरेक्स नेल म्यूसिन. वी ऑल नो कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं हमारे स्किन के लिए और इस पे
मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी पोस्ट किया हुआ है, इसके मैंने सारे ही उसमें बेनिफिट्स बताए हुए हैं, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने मॉइस्चराइजर को भी स्किप कर देती हूँ, बिकॉज ये इतना ज्यादा हाइड्रेट कर देता है मेरी स्किन को। एंड लास्टली फॉर माई स्किन केयर मैं यूज करती हूँ द फेस शॉप का वीगन सनस्क्रीन। दिस इज बेसिकली अ 3-in-1 प्रोडक्ट। इसमें सीरम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन विद SPF 50 तीनों ही अवेलेबल हैं। तो आप चाहो तो पूरा स्किन केयर रूटीन फॉलो ना करके समर्स में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, और इसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स लगाने की नीड नहीं रहेगी। फॉर बॉडी मिस्ट मैं यूज करती हूँ हमेशा से विक्टोरिया सीक्रेट का बेयर वनीला वेरियंट। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं समर्स में थिक लोशंस वगैरह यूज करना बहुत ही ज्यादा अवॉइड करती हूँ, सो आफ्टर शावर फॉर सम हाइड्रेशन मैं यूज करती हूँ ये वैसेलिन का बॉडी सीरम लोशन। तो अगर आपको भी समर्स में थिक लोशंस वगैरह लगाना पसंद नहीं है तो आप जरूर से ये प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू हैव एंजॉयड इट देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।